तो लगातार असहिष्णुता पर बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब आरएसएस भी यहां पर मैदान में कूद गया है। क्या कुछ कहा नंद कुमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। अभी अचानक आ गया, अचानक ऑल ऑफ ए सडन वी बिकेम इंटॉलरेंट। कुछ लोगों ने 2 सप्ताह के पूर्व ही बताया इंडिया इज इनक्रेडिबल। एक एक्टर ने, अभी भी एक एक्टर आ गया तुरंत ये इंटॉलरेंट ऐसा कहने की, उन्होंने 13 दिन पहले बताया था इट्स इनक्रेडिबल, भारत इज गोइंग अहेड ऐसा बताया। क्यों ये सब आ रहा है, क्यों इस लोगों ने ऐसा करते हैं? 1984 यानी सिख लोगों के जो बहुत बड़ा कार्नेज, 8000 लोगों का जो हत्या होने के 18 महीना पूरा नहीं हुआ था नयनतारा सहगल जी अवार्ड लेने में, किसके हाथ से, नहीं तो किसकी सत्ता के बीच में, राजीव गांधी जो क्या कहा था उस समय, सिख कार्नेज क्यों हुआ ऐसा पूछने पर क्या उत्तर दिया, व्हेन ए बिग ट्री फॉल्स देयर विल बी अ स्मॉल अर्थक्वेक, इट्स क्वाइट नेचुरल। स्मॉल अर्थक्वेक यानी क्या, छोटा सा भूचाल, 8000 लोगों की मृत्यु। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, पीके जैसा एक फिल्म उस तरीके से पाकिस्तान में बन सकते है क्या, कर सकते है क्या? यहां हुआ है ना, इतना आप और मैं जाकर देकर उनको भी इसका हिस्सा दिया है ना, इसलिए हम कुछ जो कुछ करते हैं वो सब उन्होंने सहन करना, ये भी मेरा मत नहीं है, गलती है तो वो ये कर दीजिए। ऐसा क्यों करता है मेरी सॉरी धर्म पत्नी बाहर जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है, ये क्या है, कहां है हम? मुंबई में आक्रमण हुआ उस समय क्या किरण राव जी को बाहर जाने की इच्छा नहीं आ गई क्या? उनके स्वयं का मुंबई में हमला हुआ कुछ साल पहले, किरण राव जी, मेरे मिसेस किरण राव जी उस समय नहीं बताया था। सो मैं मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे कुछ साजिश है।